अंकल आइज़क जी का पता लेना स्वागत करांगे जो अज की अपने खुराक लैके आया वचन लैके आया प्रभु उन्होंने होर ज्यादा मसा करे कि वह साढ़े ना अपना जो भी वो साढ़े लिए खुराक अज की लैके आया प्रभु का वचन लैके आ Now I request to Reverend Marshall, please come to the forward and read the Matthew chapter 6, verse 16 and 17 and 18. मेरे अजीज़ो हम कलाम मुकदस में से मुकदस मत्ती रसूल की मार्फत खुदा यीशु मसीह की अंजील उसका पांच छठा बाप उसकी 16वीं 17वीं और 18वीं आयत पढ़ेंगे। इसमें यूँ मेरे और आपके लिए लिखा हुआ है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुँह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर पर तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजेदार जाने। इस सूरत में मैं तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। आमीन। अते जां तुसी व्रत रखो ता कपटियां वांग मुंह उदास ना बनाओ, क्यों जो ओ अपने मुंह इसलिए बिगाड़दे हन ਭਈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਮਲੂਮ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਾ ਚੁੱਕੇ। ਪਰ ਜਾਂ ਤੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਰਤੀ ਮਲੂਮ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਟੀਚਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਫਾਸਟਿੰਗ Matthew chapter 6, verse 16, 17, and 18. And when you fast, do not put on a sad face, as the hypocrites do. They navigate their appearance so that everyone will see that they are fasting. I assure you, they have already been paid in full. When you go without food, wash your face and comb your hair so that others cannot know that you are fasting. Only your Father who is unseen will know, and your Father who sees that you do in private will reward you. Amen. आज हम देखेंगे रोजे के बारे में। Observing the Day of Atonement, कफारे के दिन का मुशाहिदा। This is a purified ritual, ये एक पाक रस्म है। In the fast, man without eat and drink suffered in his body, जिसमें रोजेदार खाए पिए बगैर अपनी जान को दुख देता है। एंड दिस लाइफ हैव टू अटेंशन विद गॉड, और अपनी जान को खुदावन की तरफ मुतवज्जा रखता है। फास्ट एडमायर, रोजे की तारीफ। वो अमल जिसमें कोई
रोजेदार अपने जान रूह अपने जिस्म की खास मुद्दत के लिए खाना खाना छोड़कर खुदावंद की तरफ रुजू लाता है। अगर आप समझते हैं खुदावंद के म्यार पर पूरे नहीं उतर रहे, अगर आप समझते हैं खुदावंद के म्यार पर पूरे नहीं उतर रहे, तो ये रोजों का महीना है, अभी ये एक मौका है खुदावंद के आगे रोजे में सरनगुं हो जाएं, भूखे प्यासे पुकारें खुदावंद मैं तेरा बेटा या तेरी बेटी, यही अंजील की तालीम है, यही बाइबल की तालीम है, यही मसीही असूल है। यसाया 59 चैप्टर इजाया चैप्टर 59 वर्स 1 में लिखा हुआ है, देख खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया के बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं के सुन ना सके। Do not think that the Lord is too weak to save you or too deaf to hear your call for help. खुदावंद आसमान से जमीन पर देखेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी भूखी प्यासी सरनगू है। खुदावंद कहेगा मैं सुन रहा हूं। इजाया चैप्टर 58 वर्स 4 में लिखा है, यसाया 58 वर्स 4 में यसाया कहता है, इस हालत में तुम्हारी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए, इस हालत में तुम्हारी आवाज आल में बाला पर सुनी जाए। डू यू थिंक दिस काइंड ऑफ फास्टिंग विल मेक मी लिसन टू योर प्रेयर? मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 15 में तेरे शिगिर्द रोजा नहीं रखते। आप लोग सब बाइबल पढ़ते हैं इसलिए पता है आप लोगों को किसने ये क्वेश्चन किया था। तेरे शिगिर्द रोजा नहीं रखते, खुदावंद यीशु मसीह ने जवाब दिया। यीशु ने उनसे कहा, बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। इस वक्त वो रोजा रखेंगे जो समझते हैं कि हम खुदा से दूर हैं। इन दिनों में भूखे प्यासे खुदावंद के आगे सरनगुं हो जाओ। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 में लिखा हुआ है, अभी भाई साहब ने भी पढ़ा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ,
क्योंकि वो अपना मुंह बगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। खुदावंद हमें बताता है या बता रहा है, रोजा में सूरत उदास ना बनाओ। लेकिन आम देखा गया है लोग रोजा में मुंह उदास बनाते हैं और दूसरों को बताना चाहते हैं। होना तो ये चाहिए कोई बादल चेहरे पर नजर ना आए। कोई क्या सेवेंटी वर्ष में, बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो। पहले हम तेल पर बात करते हैं। इसका मतलब क्या है? हारून पर तेल डाला गया, आप सबको याद होगा क्योंकि सारे बाइबल पढ़ते हैं, चर्चाते हैं। हारून पर तेल डाला गया, इसमें कोई मकदार नहीं लिखी हुई। तेल दाढ़ी में से निकला, तेल हारून के सर पे डाला गया था और दाढ़ी में से निकला। बाइबल में इसकी मकदार नहीं लिखी हुई कि कितना तेल डाला। तेल पाक रूह को जाहिर करता है। नबियों पर तेल उंडेला गया, बादशाहों के लिए तेल मसा के लिए इस्तेमाल होता है, पादरी साहबान के लिए जो भी खिदमत में है। लोग सौल के लिए तेल का इस्तेमाल हुआ, सौल की कहानी भी आप लोगों को पता है। जब सौल के ऊपर तेल उंडेला गया, अब ये ना कहें कि सिर्फ मसह किया गया है, उंडेला गया, क्योंकि मकदार नहीं लिखी हुई बाइबल में, उंडेला गया। जब सौल पर तेल उंडेला गया, ये मेरा ख्याल बताना जरूरी नहीं है, सौल की कहानी सबको पता है। उसकी आंखें बंद थी और नहमिया के पास गया था और खुदा ने कहा था उसको जैसे, तो उसी तरह से किया। तो वो गैर जुबान बोलने लगा, कौन? सौल। तेल उंडाला गया, तेल उंडेला गया, जैसे हम लोग मसा करते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, उंडेला गया सर के ऊपर। तो वो पाक रूह उसके ऊपर आया, पाक रूह का मसा उसके ऊपर आया और वो गैर जुबान बोलने लगा। दाऊद के लिए तेल का इस्तेमाल किया गया और वो जाति जूलियत के मुकाबले को गया। ये कहानी भी आप सबको मालूम है। मसीह के लिए, मसा के लिए तेल का उंडेलना जरूरी है। वो जब खड़ा होता है तो समुंदर में रास्ता बन जाता है, बादलों के रुख बदल जाते हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। तेल का ये मतलब हुआ, रूह कुद्दस को अंदर आने दो, रूह कुद्दस को अंदर आने दो। अब मैं मुंह के बारे में
मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16 में लिखा हुआ है, अपनी सूरत उदास ना बनो। अपना फेस जो है, डू नॉट मेक सैड, वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं। मुंह को यूनानी जुबान में पानाइम कहा जाता है, कान मुंह आंखें चेहरा को, ताकि पहले की तरह जुबान से अल्फाज ना आए। रोजे में जो अल्फाज हम पहले की तरह यूज करते हैं, पहले से मुराद ये है जो हम गालियां वगैरह देते हैं या गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मुंह हाथ दो, कानों को दो। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 24 और 25 में आप लोगों को पता है माँ मरियम की कहानी का, यूसुफ की और माँ मरियम की मंगनी हुई थी, ये सारा आप लोगों को पता है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया। जैसा खुदाउन के फरिश्ता ने हुक्म दिया था, जैसा खुदाउन के फरिश्ता ने हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहां ले आया और अपनी बीवी को अपने यहां ले आया और उसको ना जाना। दिस इज द क्वेश्चन। और उसको ना जाना, एक बीवी है, बीवी और हस्बैंड का रिश्ता तो है, लेकिन यहां पर लिखा है उसको ना जाना, मतलब उसको उसने टच नहीं किया क्योंकि फरिश्ते ने हुक्म दिया था। दिस इज ऑर्डर ऑफ एंजल के उसको हाथ नहीं लगाना जब तक वो डिलीवर नहीं हो जाती। इसलिए साफ लिखा हुआ और उसने उसको ना जाना। हम लोग ये स्टोरी बहुत दफा पढ़ते हैं लेकिन गौर नहीं करते लफ्जों पे। और उसको ना जाना क्योंकि ये एंजल का ऑर्डर था। रोजे का अजर बदला, तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी, तेरी रोशनी सुबह को सुबह की मानद फूट निकलेगी। तेरी सेहत को तरक्की जल्द जाहिर होगी और हम खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा, तेरी हड्डियों को कुवत बख्शेगा। अब्रानियों चैप्टर 13 वर्स 8 में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदा बाप, खुदा बेटे, पाक रूह के नाम में आमीन।